एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 35 करेंगे, जो आप लोगों का है हिंदी का है, जो कि आप लोगों का हिंदी का है, आप लोगों का हिंदी का अपूर्व अनुभव पार्ट से क्लास 7 का हिंदी का कार्यपत्र नंबर 35। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रिका के द्वारा हम अपनी पाठ्यपुस्तक दसंत का पाठ अपूर्व अनुभव जो है इसका एक अंश पढ़ेंगे। तो इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के लिए सपने को पूरा करना चाहती थी। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी के इस पाठ में क्या हुआ। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली थी, उसने बताया। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल जो थी उसके पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिलता है। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ी थी, तो पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके जो हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए थे, तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना चला। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा। तो इतना हम पढ़ेंगे। अब आगे, यासुकी चांद को सब सूना क्यों लग रहा था। यासुकी चांद को गर्मियों की छुट्टी के कारण सब सूना, सब बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था। तोतो चांद क्यों उत्तेजित थी, क्योंकि वे आज यासुकी चांद के पेड़ पर चढ़ने वाली थी और जिसके बारे में किसी को पता ना था। यासुकी चांद ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया। यासुकी चांद ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने दोनों हाथों को फैला दिया। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? जोर से हंसना। रेल किस भाषा का शब्द है? रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब रेल की यात्रा में एक अनुभव बताएं। मुझे रेलगाड़ी में बैठने और दूर तक सफर करना बहुत पसंद है। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग। तब तक के लिए बाय।